नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा अमृत भारत योजना के तहत वाराणसी मंडल की आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को भी चयनित किया गया है, जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूर्ण विकास भी किया जाएगा। यात्रियों को अत्याधुनिक यात्री सुविधाजनक भी प्रदान की जाएगी। जिले की कला और संस्कृति को समाहित करते हुए स्टेशन के स्वरूप को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था व अन्य सुविधाओं का भी सुधार किया जाएगा, जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर नहीं है। 27.05 करोड़ की लागत से आधुनिक स्टेशन आजमगढ़ रेलवे स्टेशन बनेगा। और जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कुमार जी ने बताया कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत 27.05 करोड़ की लागत से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कर अत्याधुनिक स्टेशन बनाया जाएगा। इसके तहत 5.04 करोड़ की लागत से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सर्कुलेट एरिया और संपर्क मार्ग, पानी की निकासी के साथ पैदल आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ 8.24 करोड़ की लागत से स्टेशन का सुंदरीकरण किया जाएगा, जो भवन को आकर्षक रूप में बनाया जाएगा। 4.07 करोड़ की लागत से नए पैदल फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ 4.86 करोड़ की लागत से प्लेटफार्म का उच्चीकरण व सुधार प्लेटफार्मों का किया जाएगा और सेट भी लगाए जाएंगे। यात्री प्रतीक्षालय में सुधार आकर्षक कर सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा और ट्रेन की डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल लॉक, ऑटो अनाउंसमेंट, अनारक्षित व आरक्षित काउंटरों टिकट सुधार में किया जाएगा। इसके साथ स्टेशन पर लिफ्ट और लाइटिंग और पैनल साइनेट का भी व्यवस्था की जाएगी। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के भवन के सामने जो पुराना वाला GRPF थाना है, उसे हटाकर पार्सल रूम के बगल में बन रहे नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ पुराने वाले पार्सल रूम को हटाकर भवन को भी आकर्षक बनाया जाएगा। और आप सामने देख रहे हैं कि टावर वैगन सेट का भी कार्य पूरा ही कर लिया गया। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 का भी निर्माण प्रगति पर है। और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन भारत अमृत योजना के अंतर्गत शामिल भी किया गया है। आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण एक रूप में देखा जाएगा, जो राजस्थानी पत्थरों द्वारा चमचमाती हुई नजर आएगी। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का भवन भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 का निर्माण जब पूरा हो जाएगा, तो ट्रेन की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बात की जाए तो इस स्टेशन पर सिर्फ नाम भर ही ट्रेन है। ऐसे जितना आजमगढ़ की आबादी है, उस हिसाब से ट्रेन की संख्या भी कम है। रेलवे संघर्ष समिति की तरफ से बार बार आवाज़ भी उठाई जाती है कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे कि आजमगढ़ से मुंबई के लिए जो वीकली ट्रेन चलती थी 11:54, वह पूरी तरह बंद हो गई। जो शुक्रवार को आजमगढ़ से मुंबई जाती थी, वह बंद होने से काफ़ी रेलवे संघर्ष समिति में रोष भी था और ज्ञापन भी दिया गया था। और माननीय सांसद जी ने कहा भी था कि चुनाव के पहले कि अगर आजमगढ़ में ट्रेन की आवश्यकता है, जो ट्रेन बंद थी वह भी चलेगी, लेकिन आज तक यह ट्रेन चली नहीं। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 का निर्माण प्रगति पर है, जो धीरे धीरे कार्य चलता हुआ। और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 की लंबाई भी बढ़ा दी गई है, और उसको इसका कार्य आप सामने देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ी से किया गया। उम्मीद जताई गई थी कि इतना जल्दी यह कार्य हो जाएगा। और प्लेटफार्म संख्या 4 का कार्य मात्र 2 से 3 महीने में भी पूरा कर लिया गया। और बात की जाए तो प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 का निर्माण लगभग बताते हैं लोग कि 8 साल लग गया था, और
वहीं सामने प्लेटफार्म संख्या 4 का कार्य मार्ग 3 महीने में पूरा हो गया और यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जिस हिसाब से कार्य चल रहा है आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन एक आकर्षक रूप में देखने को मिलेगा और यहां पर अलग अलग सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी अमृत भारत योजना के अंतर्गत और 27.05 करोड़ की लागत से स्टेशन का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 का निर्माण चल रहा है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कई काम शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 और उसी के बगल में 5 भी बिछाने का कार्य किया जा सकता है, जो 4 आपके सामने बनी रहा है। इसके बगल में 5 नंबर भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका काम तेज़ी से चल रहा है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन अब मॉडल और आदर्श बनेगा। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि प्लेटफार्म तक कार की पहुंच हो जाए। प्लेटफार्म नंबर 5 के निर्माण के साथ ही इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। स्टेशन के पिछले हिस्से से यात्री कार से सीधे प्लेटफार्म तक पहुँच जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने आजमगढ़ को गोरखपुर और वाराणसी से सीधा जोड़े जाने की रणनीति पर कदम बढ़ चुका है, जो नई रेलवे लाइन भी बनने वाली है। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ट्रैफिक बढ़ने के संग यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में यात्री को परेशानी न हो, इसके लिए रेल प्रशासन ने स्टेशन की व्यवस्थाएँ अपडेट करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया। अभी तक रेलवे के मामले में आजमगढ़ समृद्ध नहीं था, लेकिन रेल प्रशासन पहले से स्टेशन को उसके नए कद अनुरूप तैयार करने की दिशा में प्रयास व तेजी से कर दिया। स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पर जाने के लिए लोगों को ओवरब्रिज बिलेसा के रास्ते से पीछे से जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसके साथ कार से सीधे प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे। इस प्लेटफार्म पर आजमगढ़ से खुलने वाली ट्रेनें का ही संचालन किया जाएगा, जैसे कि आजमगढ़ से जो ट्रेन बन के चलती हैं कैफिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आजमगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस व अन्य ट्रेन। जो भी ट्रेन आजमगढ़ से बन के जाएंगी वह प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 से आया और जाया करेंगी। इसके साथ आप आकर अपना सीट भी ले सकते हैं। इसके साथ तैयार हो जाने के बाद बुजुर्ग व महिलाओं को रेलवे फुट ओवरब्रिज से जाने का सामना नहीं करने पड़ेगा और साथ ही बिलैसा से सीधे प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर पहुंच जाया करेंगी और आसानी से ट्रेन तक पहुंच जाएंगी। बुजुर्गों को लगेज लेकर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी। प्लेटफार्म नंबर 4 तक पहुंचने को रेलवे की फुट ओवरब्रिज से पार करना नहीं पड़ेगा, यात्री वाहन से सीधे पहुँच सकेंगे प्लेटफार्म पर। प्लेटफार्म नंबर 5 को इस तरह बनाया जा रहा है कि यात्री सीधे अपने वाहन से पहुंच सकेंगे, हालांकि इसके लिए उन्हें स्टेशन के दूसरे छोर से आना पड़ेगा। ऐसा रेलवे अधिकारी श्री डीवी सिंह स्टेशन अधीक्षक जी का कहना है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर विस्तार के क्रम में प्लेटफार्म नंबर 1 पुराने थाने से दूरी पर ही नए आरपीएफ थाने का निर्माण भी कराया जा रहा है। काम तेजी से चल रहा है। पुराने थाने में जगह कम होने से कर्मचारियों को दिक्कत होती थी और नए वाला बन जाने से वहां पर जीआरपीएफ थाना हो जाएगा और माल गोदाम भी नए जगह शिफ्ट हो जाएगा। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को नया रूप और रंग देने की कयाद भारत अमृत योजना के तहत शुरू भी कर दी जाएगी और फरिया स्टेशन पर माल गोदाम चले जाने के बाद यहां पर काम में तेज़ी भी लाया गया और प्लेटफार्म संख्या 3 का भी ट्रैक न्यू डाला गया और प्लेटफार्म संख्या 3 पर भी ट्रेन आने लगी, जिससे ट्रेनों को अब आउटर पर रुकना नहीं पड़ता है और सीधे आकर प्लेटफार्म संख्या 3 और 2 पर लग जाती हैं और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले समय में एक नए रंग रूप में देखने को मिलेगा भारत अमृत योजना के अंतर्गत। इसके साथ आप सामने देख रहे हैं कि प्लेटफार्म संख्या 3 और 2 पर टिन शेड न होने के कारण धूप में यात्री इधर उधर घूमते रहते हैं। आदर्श रेलवे स्टेशन होने के बाद भी यहाँ टिन शेड में बहुत कमी है और रेलवे प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द टिन शेड लगवाने की ज़रूरत है। पहला काम अगर हो तो भारत अमृत योजना के अंतर्गत तो पहले टिन शेड ही लगाएं, यात्रियों को सहूलियत मिले, और क्योंकि यात्री धूप में खड़े रहते हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और आप सामने देख रहे हैं कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है यात्रियों को।
आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर टिनशेड न होने के कारण यात्री इधर उधर भटकते रहते भी हैं, छाया भी खोजते रहते हैं और छाया ना होने के कारण मजबूरी में धूप में भी खड़े रहते हैं। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 4 का निर्माण प्रगति पर है और जैसे जैसे कार्य आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत होगा हम उसे उसे आपको वीडियो को दिखाते रहेंगे। और आप सामने देख रहे हैं कि प्लेटफार्म संख्या 4 पर फुट ओवर ब्रिज का कार्य जेसीबी द्वारा की जा रही है। जल्द ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं कि कितनी धूप है और प्लेटफार्म संख्या 3 पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आकर लगी हुई है। अब यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अमृत भारत योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों को हम दिखाते रहेंगे इसी तरह।